ये है सोलेनोइड डोर लॉक 12 वोल्ट डीसी पावर, और यहाँ पर मैंने वायर कट कर दिए हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये है रिले, टू चैनल रिले। ये है ESP8266 नोड एमसीयू बोर्ड, वाईफाई डेवलपमेंट बोर्ड। आपको चाहिए एक ब्रिज बोर्ड, ऐसा एक ब्रिज बोर्ड जिसके ऊपर मैंने ESP8266 नोड एमसीयू बोर्ड को मैंने कनेक्ट कर दिया है। वी नीड टू फाइव जम्पर वायर्स, मेल टू फीमेल, एंड वी नीड वन मोर केबल वायर, मेल टू मेल जम्पर वायर। ये है 12 वोल्ट डीसी एडाप्टर, उसको मैंने यहाँ से काट लिया है। तो सबसे पहले मैं सोलेनोइड डोर लॉक का कनेक्शन करूँगा। यहाँ पर मैंने ये कट कर दिया था, तो उसको मैं फिर से जॉइंट करूँगा। ये रेड वायर के साथ कनेक्ट करूँगा। तो रेड वायर, मैंने रेड वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये जम्पर केबल को मैं कनेक्ट करूँगा रेड वायर के साथ, रेड का कनेक्शन रेड के साथ। ये है 12 वोल्ट डीसी एडाप्टर, ये एडाप्टर है, इसको मैंने यहाँ से काट लिया है। काट के इसको फेंक देना है। अब ये 12 वोल्ट एडाप्टर है, तो उसका हम कनेक्शन करेंगे हमारे सेनोलॉइड डोर लॉक के साथ। तो हमारे सेनोलॉइड डोर लॉक जो है, उसको हमें 12 वोल्ट डीसी पावर देना है। ये सेनोलॉइड डोर लॉक है, उसको हमें डीसी पावर देना है। तो रेड वायर का तो मैंने कनेक्शन कर दिया। अब जो ये ब्लू वायर है, ये ब्लू वायर है, उसका कनेक्शन हम करेंगे ये एडाप्टर के वाइट वायर के साथ। इसको मैं यहाँ से वाइट वायर के साथ कनेक्ट करूँगा। तो ये एडाप्टर जो है, वो एसी करंट को कन्वर्ट करके डीसी में 12 वोल्ट सेनोलॉइड को प्रोवाइड करेगा। अब हम रिले के साथ कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर ये रेड वायर, वो रिले में कनेक्ट होगा, और ये वाला रेड वायर, वो भी रिले में कनेक्ट होगा। तो अब हम रिले में उसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं टू चैनल रिले यूज़ कर रहा हूँ। तो सेनोलॉइड डोर लॉक का रेड वायर, सेनोलॉइड डोर लॉक का रेड वायर जो है, उसको हम हमारी रिले के साथ कनेक्शन करेंगे। आप देख सकते हैं, मैं आपको ये कनेक्शन का सर्किट डायग्राम हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप सर्किट डायग्राम डाउनलोड कर सकते हैं और आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रिले के साथ सेनेलॉइड डोर लॉक का रेड वायर कनेक्ट कर दिया। अब ये जो डीसी एडाप्टर का रेड वायर है, उसको मैं कनेक्ट करूंगा रिले में।
तो ये रिले के साथ कनेक्शन हो गया। अब मैं कनेक्शन करूँगा ESP8266 नोड MCU बोर्ड का रिले के साथ। यहाँ पर मैंने नोड MCU बोर्ड को ब्रिज बोर्ड के ऊपर कनेक्ट कर दिया है। अब मैं ESP8266 नोड MCU का कनेक्शन करूँगा रिले के साथ। तो यहाँ पर मैं इनपुट कनेक्शन करूँगा। सबसे पहले D2, ये नोड MCU बोर्ड के ऊपर D2 के ऊपर यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया। ये इनपुट कनेक्शन है, D2 का कनेक्शन इनपुट पिन के साथ। तो मैं यहाँ पर इनपुट 1 के साथ कनेक्ट किया रिले में इनपुट 1, क्योंकि यहाँ पर मैं सिंगल चैनल रिले में कनेक्ट कर रहा हूँ। ये है मेरी इनपुट 1, तो मैंने इनपुट 1 के अंदर कनेक्ट किया D2 का कनेक्शन इनपुट 1 के साथ। अब मैं ग्राउंड का कनेक्शन करूँगा। ग्राउंड कनेक्टेड टू ग्राउंड। अब मैं VCC का कनेक्शन करूँगा। VCC कनेक्टेड टू VCC, लेकिन यहाँ पर मैं VCC का कनेक्शन कुछ अलग तरीके से करूँगा। ये मैंने सर्किट डायग्राम में दिखाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये सर्किट डायग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेरा VCC कनेक्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ से मैंने VCC को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर मेरा पूरा कनेक्शन हो चुका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा कनेक्शन। अभी मैं यहाँ पर 12 वोल्ट DC पावर सेनोलॉइड डोर लॉक को यहाँ से मैं दे दूंगा। ये डोर लॉक सिस्टम का प्रोग्राम है हमारे ESP8266 नोड MCU बोर्ड के ऊपर। इसको मैं अपलोड करूंगा। यहाँ से अपलोड करने से पहले आपको टूल्स में जाना है और बोर्ड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ESP12E मॉड्यूल सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से आपको जाना है नोड MCU 1.0 ESP12E मॉड्यूल, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है पॉट। यहाँ पर मेरा पॉट है COM port 3, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया हुआ है। बस इतना सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ये प्रोग्राम अपलोड करना है, जस्ट अपलोड। यहाँ पर मैंने वाईफाई का नेम और पासवर्ड दिया हुआ है जो कनेक्ट होगा। यहां से अपलोडिंग हो रहा है। ये प्रोग्राम जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में दे दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर अपलोडिंग हो रहा है, पूरा 100% अपलोड होगा। तो ये अपलोड पूरा हमारा अपलोड कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जाना है सीरियल मॉनिटर के अंदर, जहां से आपको IP एड्रेस मिलेगा। टूल्स में सीरियल मॉनिटर।
दोस्तों यहाँ पर हर लोगों को एक प्रॉब्लम रहता है कि जब सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं तो आपको कुछ कुछ भी नजर नहीं आता, तब आपको क्या करना है, आपके ESP8266 जो डिवाइस है उसके ऊपर एक छोटा सा रिसेट नाम का बटन रहता है, उसको आपको प्रेस करना है। RTS करके लिखा हुआ बटन जो है ESP8266 NodeMCU बोर्ड के ऊपर, वो बटन को आपको प्रेस करना है, जस्ट प्रेस। मैंने यहां पर प्रेस किया तो मुझे आईपी एड्रेस मिल गया। ये आईपी एड्रेस मैं अपनी एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एंटर करूंगा तो हमारा जो डोर लॉक जो है वो अनलॉक हो जाएगा। लेट्स डेमो। यहाँ पर मैं अपना पावर ऑन करूँगा एडाप्टर का। मैंने पावर ऑन किया है। अब मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस एंटर करूँगा। ये एप्लीकेशन जो है वो इंटरनेट बेस्ड है, सो मैंने यहाँ पर मोबाइल डेटा इंटरनेट कनेक्शन ऑन किया हुआ है यहाँ पर। सो आपको भी करना होगा, क्लिक ऑन ओपन फिंगरप्रिंट। यहाँ पर मुझे अपनी फिंगरप्रिंट रखनी होगी फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर, तो ये लॉक जो है वो अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर अभी लॉक है, मैं यहाँ पर अपनी फिंगरप्रिंट रखता हूँ, डोर अनलॉक। वंस अगेन, अगर आपको जानना है ये फिंगरप्रिंट डोर लॉक सिस्टम एंड्रॉइड ऐप वर्क कैसे करती है और कैसे मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा दूसरा वीडियो। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेशन।